Hey guys, this is Jebisa. So today we are going to discuss about similitude. Similitude को हम similarity भी बोल सकते हैं एक तरीके से. Similitude का मतलब क्या होता है कि model और prototype दोनों मतलब same ही है, एकदम similar उनकी properties है, completely similar है, तो उसे हम similitude बोलते हैं. Model मतलब real product का एक स्मॉल रेप्लिका, और प्रोटोटाइप मतलब वही रियल प्रोडक्ट जो हमें बनाना है, फॉर एग्जांपल डैम्स एक्सेट्रा. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके की सिमिलैरिटी होती है मॉडल्स और प्रोटोटाइप के बीच में एग्जिस्ट होनी चाहिए. तो सबसे पहले आते हैं जियोमेट्रिकल सिमिलैरिटी, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी और डायनामिक सिमिलैरिटी. ओके, सबसे पहले आता है ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी. ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी कब एग्जिस्ट होती है? जब हमारा लीनियर डायमेंशन मॉडल और प्रोटोटाइप के सेम होते हैं. एज फॉर एग्जांपल लेंथ है, डायमीटर है, वॉल्यूम है, विड्थ है, एरिया है, एक्सेट्रा. ओके, तो प्रोटोटाइप है मॉडल का, उसका रेशियो का हम स्केल रेशियो बोलते हैं. ओके, एरिया का हम एरिया रेशियो बोलेंगे और वॉल्यूम का वॉल्यूम रेशियो. सिमिलरली इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी को डिफाइन करते हैं. ओके, नाउ काइनेमेटिक सिमिलैरिटी. काइनेमेटिक सिमिलैरिटी मतलब मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में कब एग्जिस्ट होगी? जब हमारी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे सेम होंगे. एज फॉर एग्जांपल ये पॉइंट वन है और ये पॉइंट टू है. यहाँ पे हमारी मॉडल और प्रोटोटाइप की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फॉर एग्जांपल ए थी, और पॉइंट टू पे भी सेम रह रही है, यानी ए ही रह रही है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे ना वेलोसिटी में ना एक्सीलरेशन में. तो उस तरीके की सिमिलैरिटी को हम काइनेमेटिक सिमिलैरिटी बोलते हैं. लेट हमारा कोई भी हमारा फ्लूइड है का, तो फिर कोई भी चीज़ प्रोटोटाइप की पॉइंट वन पे उसकी वेलोसिटी इतनी है, पॉइंट टू पे हमारी इतनी है, एक्सीलरेशन की भी ऐसी है, तो उसका जो रेशियो आएगा प्रोटोटाइप बाय मॉडल का उसे हम वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं, फॉर वेलोसिटी के लिए, और सिमिलरली एक्सीलरेशन के लिए होता है. ओके, अब हम डायनामिक सिमिलैरिटी के बारे में बात कर लेते हैं. डायनामिक सिमिलैरिटी क्या होती है? डायनामिक सिमिलैरिटी कब एग्जिस्ट करती है? जब हमारे जो फोर्सेस लग रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे वो सेम होंगे. कौन से फोर्सेस? तीन तरीके के हैं, इनर्शिया फोर्सेस, विस्कस फोर्सेस और ग्रेविटी फोर्सेस. ओके, तो इनर्शिया फोर्स फॉर रेशियो ऑफ प्रोटोटाइप एंड मॉडल. सिमिलरली ये हमारा सेम होगा तो हम उसे फोर्स रेशियो बोलते हैं. ओके, तो इस तरीके से हमारी तीन तरीके की सिमिलैरिटी होती है मॉडल और प्रोटोटाइप में, जिसे हम सिमिलिट्यूड भी बोलते हैं.